फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना पार्ट टू उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रीशन वाली जो हमारी वीडियो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसका पार्ट टू आज हम देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स में यूरिया जो है वो कहाँ पर बनता है। तो जब भी हम बात करेंगे यूरिया की, तो यूरिया हमारा कहाँ पर बनता है, हमारे लीवर में। लीवर में भी ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा, ORNITHINE और नितिन साइकिल के द्वारा। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ किडनी इज फाउंड इन फिशेस, मतलब मछली में किस प्रकार की किडनी मिलती है, किस में, मछली में। तो देखो मछली में मिलती है मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी, ठीक है। और जब हम मेटानेफ्रिक या मेटानेफ्रोस किडनी की बात करेंगे तो आपको तीन शब्द याद रखने हैं खाली, RBM, ठीक है। R का मतलब जो भी हमारे रेप्टाइल हैं, B का मतलब जो भी हमारी बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, और M का मतलब जो भी क्या है हमारे मैमल्स। तो इन तीनों में मतलब रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स में हमको मेटानेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाना चाहता हूँ उससे पहले। तो देखो ये जो हमारा डायग्राम है, ये हमारा किसका है, जो हम अपना ऑर्निथिन साइकिल की जो हम बात करते हैं, जो हमारी कहाँ पे होती है, लीवर में होती है, या इसी को हम यूरिया साइकिल को भी, यूरिया साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें हमारे तीन जो अमाइनो एसिड हैं वो इस्तेमाल होते हैं, एक तो हो गया ऑर्निथिन, एक हो गया सिट्रुलिन, ठीक है, और एक हो गया आर्जिनिन। ये तीन क्या होते हैं, अमाइनो एसिड, जो इस चक्र में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इस चक्र का जो आउटकम होता है, या वो आउटकम क्या होता है, यूरिया, मतलब यूरिया साइकिल इसको बोलते हैं, ठीक है। और इस साइकिल में होता क्या है, बेसिकली जो हमारा अमोनिया होता है, AMMONIA, अमोनिया जो हमारी बॉडी बनाती है प्रोटीन के मेटाबोलिज्म के बाद, वो जाता है हमारे लीवर में, वहाँ ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है इस यूरिया साइकिल से, वो है क्या है हमारा, कि हमारे बॉडी में जो ये साइकिल है लीवर में ऑर्निथिन साइकिल में, ये कौन से दो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है। तो एक होता है हमारा NH3 जो कि क्या है हमारा, अमोनिया, और दूसरा होता है CO2, ये इसको हटाती है या इस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है हमारे बॉडी में से, ठीक है, या मैं बोलूँ ब्लड में से, ठीक है। चलते हैं फिर अगली फोटो के पास। अगली जो हमारी फ़ोटो है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो मछली है, मछली में कौन सी टाइप की किडनी मिलती है, मीजो नेफ्रोज या मीजो नेफ्रिक टाइप की किडनी मिलती है। तो देखो ये मैंने डायग्राम आपको दिखा रखा है, किसका दिखा रखा है, मछली का, मछली को इंग्लिश में बोलते हैं फिश, ठीक है। और किडनी कौन सी होती है, मीजो नेफ्रोज या मीजो नेफ्रिक। तो देखो यहाँ मैंने आपको इसलिए डायग्राम दिखा रखा है क्योंकि सुनने से ज़्यादा हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से या लंबे समय तक हम देखी हुई चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे मछली का डायग्राम भी दिखाया है और उसके अंदर जो मीजो नेफ्रोज जो है वो भी लिखा हुआ दिखा रखा है, ताकि आप चीज़ों को देखें, अच्छे से समझें, और यही जानकारी आप लंबे समय तक अपने पास रख सकें, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्या, कि जो हमारी मेटानेफ्रिक किडनी है ये किसके अडल्ट में मिलती है। तो अभी मैंने आपको बताया क्या ट्रिक थी, RBM, R से रेप्टाइल, B से बर्ड, M से मैमल। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में पूछा है मेटानेफ्रिक और ऑप्शन दे रखा है बर्ड, मतलब बर्ड क्या है हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोका क्या होता है या क्लोका किस में मिलता है। तो भैया पहले जानते हैं क्लोका क्या होता है। क्लोका एक कॉमन चैम्बर होता है जिसमें हमारा इंटेस्टाइनल, ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या यूरिनरी ट्रैक्ट, और तीसरा ट्रैक्ट होता है हमारा जेनाइटल ट्रैक्ट। ये तीनों ट्रैक्ट या तीनों नलियाँ या तीनों ट्यूबुल्स जिस एक कॉमन जगह, एक कॉमन जगह पर ओपन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोका, CLOACA, क्लोका हम उसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें ओपन होती हों।
या जिस जगह ये तीनों चीज़ें ओपन होती हैं। तीन कौन कौन सी? एक तो इंटेस्टाइनल, दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट, तीसरा हमारा जेनाइटल ट्रैक्ट। तीन ये जहाँ पर भी ओपन होंगी एक चैम्बर में, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोका। ठीक है, जो कि हमारा किस में प्रेजेंट होता है? एक तो हमारा एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है, दूसरा हमारा रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है, एक हमारा बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, और एक हमारी मछली है, कौन सी? शार्क मछली। इस शार्क मछली में भी ये क्लोका मौजूद होता है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया किस में होता है, अब ये देख लो ये किस में नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे प्लेसेंटल PLACENTAL प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, MAMMALS मतलब नाल वाहिनी स्तनी होती हैं, उनमें ये मौजूद नहीं होता है। इनके अलावा हमारी कुछ मछलियाँ होती हैं जो कि कौन सी होती हैं? बोनी फिश, ये उनमें भी मौजूद नहीं होता है। ठीक है, कौन? क्लोका। ठीक है, ये थी क्लोका से संबंधित जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप इसके नोट्स भी बना रहे होंगे या इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन। तो हमारा फ्रॉग, लिजर्ड और एकेडना, इन तीनों में ही क्लोका मिलता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो CO2 की टेंशन है हमारे आर्टेरियल ब्लड में वो कितनी होती है। टेंशन ऑफ CO2 को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, वो हमारे आर्टरी वाले ब्लड में कितनी होती है? तो वो होती है हमारी जनरली 35 से 45 mmHg। ठीक है, 35 से 45 mmHg के बीच में होती है ये रेंज, किसकी? टेंशन ऑफ CO2 या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की। तो हमारा ऑप्शन जो दे रखा है वो इससे मिलता जुलता दे रखा है, 40 mmHg। तो यही क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी वेयर यूरिया इज सिंथेसाइज, हमारे शरीर का वो अंग बताओ जहाँ पर यूरिया बनता है। तो वो है हमारा लीवर। अगला क्वेश्चन है, फ्लूड विद इन द लूप ऑफ हेनले इज मोस्ट कंसनट्रेटेड, हेनले लूप में जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड फ्लूड है वो कहाँ पर मौजूद होता है? ठीक है, तो जो हमारा हेयर पिन बेंड स्ट्रक्चर होता है हेनले लूप में, वहाँ का फ्लूड सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो हमारे ग्रीन ग्लैंड्स हैं ये किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? मेल्फिजियन ट्यूबुल्स। तो जो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं ये भी आर्थ्रोपोडा में ही मिलते हैं। ठीक है, किस में मिलते हैं? आर्थ्रोपोडा में, ARTHROPODA। आर्थ्रोपोडा में जो क्रस्टेशियंस होते हैं उनमें हमको देखने को मिलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अगला क्वेश्चन है हमको ये बताओ, कौन सा एंजाइम यूरिया के बनाने में रेस्पॉन्सिबल है, मतलब यूरिया के बनाने में मददगार है या यूरिया के बनाने में रेस्पॉन्सिबल है, मतलब सहायक करता है या उसको बनाता है यूरिया को, कौन सा एंजाइम है या उस एंजाइम का नाम बताना है? वो होता है हमारा आर्जिनेज एंजाइम। आर्जिनेज एंजाइम यूरिया बनाने में हमारी क्या करता है? मदद करता है, हमारी मतलब हमारे अंदर जो लीवर है उसकी मदद करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा है, जो असेंडिंग लिंप ऑफ हेनले है ये किसके लिए परमिबल होती है? अब यार देखो, हेनले लूप का केस है, हेनले लूप में ऊपर लिख देता हूँ HL, हेनले लूप। अब ये दो टाइप की होती है, एक होती है असेंडिंग, एक होती है डिसेंडिंग। अब हमें बात करनी है सिर्फ दो चीज़ की, किसकी? एक तो इलेक्ट्रोलाइट की और एक वाटर की। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिबल होता है, एक वाटर के लिए परमिबल होता है। तो अब आप देख लो कि जो हमारी असेंडिंग वाली होती है वो किसके लिए परमिएबल होती है? इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होती है। ठीक है, मतलब उसके आर पार जो जा सकता है वो सिर्फ क्या जा सकता है? इलेक्ट्रोलाइट जा सकता है। और इसी का अपोजिट जो है हमारी कौन सी लूप? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जिसमें हमारा सिर्फ जो पानी है H2O है ये परमिएबल आता है। मतलब परमिएबल का मतलब इसके अंदर बाहर जो है रेगुलेट या ट्रांसपोर्ट हो सकता है पानी का। ठीक है, तो देख लो,
असेंडिंग हमारी सिर्फ परमेबल होती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए और डिसेंडिंग परमेबल होती है सिर्फ पानी के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। और इसी का अपोजिट जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब असेंडिंग वाली अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है तो वाटर के लिए परमेबल नहीं होगी, और अगर डिसेंडिंग वाली वाटर के लिए परमेबल है तो ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सा है, आप कोई सा भी एक याद कर लो। असेंडिंग वाला इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है और डिसेंडिंग वाला पानी के लिए परमेबल है, बस आप इतना याद कर लो। बाकी आप आंसर लगा सकते हो या आप समझा सकते हो किसी को कि भैया अगर असेंडिंग इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है तो ऑब्वियसली बात है वाटर के लिए परमेबल नहीं होगी, और इसी का सेम उल्टा कहाँ पे होगा, डिसेंडिंग पे। अब एक बात और याद रख लो, जो इलेक्ट्रोलाइट है कभी कभी इसको हम किसके नाम से बोल देंगे, आयन्स के नाम से बोल देंगे, कभी कभी हम यहाँ पे दे देंगे के प्लस मतलब पोटाशियम आयन, कभी कभी हम यहाँ पे दे देंगे सी एल माइनस आयन मतलब क्लोरीन का आयन। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होना कभी भी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट आयन की जगह वो कोई सा भी नाम इस्तेमाल कर सकता है, आयन्स के प्लस या सी एल माइनस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में पूछा था कि जो असेंडिंग लिंप है हेनले लूप की वो किसके लिए परमेबल है, तो अभी मैंने आपको बताया किसके लिए परमेबल है, आयन्स के लिए, तो आयन्स मतलब पोटाशियम आयन्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कॉकरोच में क्या उसका वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब कॉकरोच का जो वेस्ट मटेरियल है वो कौन सा होता है, वेस्ट मटेरियल उसका कौन सा होता है या वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है। तो कॉकरोच हमारा क्या होता है, यूरिक एसिड उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, और जिसमें से यूरिक एसिड निकलता हो वेस्ट प्रोडक्ट में उनको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आप देख लो डायग्राम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी का। देखो मीजोनेफ्रिक में मछली आती है, हमारा फ्रॉग आता है, ये आती हैं मीजोनेफ्रिक में, कौन कौन से, फ्रॉग और फिश, ये आपका एग्जांपल है, याद कर लेना, पूछा जाता है बार बार। और मेटानेफ्रिक में मैंने आपको बताया था कौन कौन सा, आर से रेप्टाइल, बी से बर्ड, एम से मैमल। ठीक है, मतलब रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये तीन किसके एग्जांपल हैं, हमारे मेटानेफ्रिक किडनी या मेटानेफ्रोस के। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अभी आपने देखा था ना ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड किस में, क्रस्टेशियंस में, क्रस्टेशियंस भी किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक लैब्रियंथ है, ये एंड सैक है, ये यहाँ पे इसका ब्लैडर है, और यहाँ पे ये ट्यूब है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं रेनल ट्यूब या एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स या सिंपल ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में इसका होता है रेनल पोर जो कि क्या होता है, एग्जिट पॉइंट होता है। ठीक है, या एग्जिट पोर होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, कहने का मतलब है जो यूरिया है ये कौन बनाता है, तो यूरिया बनता है हमारा ऑर्निथिन साइकिल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो पदार्थ बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलता है, नाइट्रोजन। तो कहने का मतलब है जो हमारा यूरिया है इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलता है, नाइट्रोजन, कितना मिलता है, 46%। ठीक है, एग्जैक्ट बताऊँ तो 46.6% यूरिया हमको देखने को मिलता है किसमें, सॉरी 46.6% नाइट्रोजन हमको देखने को मिलता है किसमें, यूरिया में, जो कि क्या है, हाईएस्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सोलिनोसाइट्स जो हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं या सोलिनोसाइट्स किससे संबंध रखती हैं, तो ये करती हैं एक्सक्रीशन का काम। ठीक है, सोलिनोसाइट्स किसमें, प्लेटी हेलमाइंस में, PLATY प्लेटी हेलमाइंस में ये एक्सक्रीशन का काम करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है RBC में। ठीक है, हमारी लाल रक्त कणिकाओं में। ठीक है, या हमारे लाल रुधिर कणिकाओं में। तो
इस आरबीसी को ही हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, जिनका मतलब क्या होता है, आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट इसी में हमको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मान लो किसी व्यक्ति ने क्या खाया, प्रोटीन खाया, या प्रोटीन का जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोटीन जो है अलग अलग भागों में टूटता है, ठीक है, प्रोटीन का क्या हुआ, पाचन हुआ हमारी बॉडी में, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ और उससे क्या बने, छोटे छोटे अन्य पदार्थ बने। अब मान लो हमारी बॉडी में ये पदार्थ क्या हो जाएं, संचय हो जाएं, संचय मतलब इकट्ठा हो जाएं। प्रोटीन हमारी बॉडी में, प्रोटीन का पाचन हुआ, प्रोटीन टूटा अलग अलग पदार्थों में और ये पदार्थ हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए या इनका क्या हो गया, संचय हो गया। तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एसिडोसिस का मतलब होता है हमारी ब्लड में या हमारी बॉडी में जो एसिडिक सब्सटेंस है उनका बढ़ जाना, एसिडिक सब्सटेंस का बढ़ जाना, इसे हम एसिडोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की जब बात करेंगे, जब उनके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। एनूरिया का मतलब होता है हमारा जो यूरिन है अगर वो हमारी बॉडी से ना निकले, मतलब नो यूरिन फॉर्मेशन, हमारी बॉडी में अगर यूरिन नहीं बनेगा तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं एनूरिया, ठीक है। अब देखते हैं ओलिगुरिया। ओलिगुरिया वो कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में बहुत कम यूरिन बनता है, ठीक है, यूरिन बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा। एनूरिया में हमारी बॉडी में यूरिन नहीं बनेगा। और जो यूरेमिया होता है, यूरेमिया का मतलब होता है क्या, वेस्ट प्रोडक्ट हमारी ब्लड में या हमारे ब्लड में जब वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, ए पर्सन हैज़ कंज्यूम्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मीट, हिज यूरिन विल एलिमिनेट ग्रेटर अमाउंट ऑफ। कहने का मतलब है, एक व्यक्ति है जिसने मीट जो है, मतलब मांस जो है, ज़्यादा खा लिया है, तो उसकी यूरिन में किस चीज़ की अधिकता मिलेगी, मतलब उसके यूरिन में कौन सी चीज़ बढ़ जाएगी। तो देखो मीट क्या होता है, जनरली एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है, और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है या जब पाचन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है, क्या हमारा प्रोटीन, ठीक है। और ये अमोनिया हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत घातक या बहुत टॉक्सिक होता है। तो अब ये जाता है अमोनिया कहाँ, हमारे लीवर में, लीवर इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। और फाइनली यही यूरिया ही हमारी यूरिन में ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब था, अगर हम प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो हमारी यूरिन में यूरिया का मात्रा भी अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी यूरिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक हम उनको बोलते हैं जिनकी बॉडी से क्या निकलता है, वेस्ट मटेरियल, यूरिया, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, तो इस क्वेश्चन के ना दो आंसर हो सकते हैं। एक तो होगा शार्क, शार्क कौन सी होती है हमारी, यूरियोटैलिक होती है, ठीक है, यूरियोटैलिक मतलब इसकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल क्या निकलता है, यूरिया निकलता है, ठीक है। और अगला ऑप्शन हो सकता है हमारा एनालिट्स। एनालिट्स में कैसे, जो पानी में रहते हैं वो, उनकी बॉडी में क्या निकलता है, अमोनिया, ठीक है, मतलब एनालिट्स जो पानी में रहते हैं उनका वेस्ट मटेरियल क्या होता है, अमोनिया। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब पृथ्वी पर रहने वाले होते हैं, उनकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कौन सा बनता है, यूरिया, ठीक है। और जिनकी बॉडी से यूरिया निकलता है उनको हम क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, एक तो शार्क और एक एनालिट्स। लेकिन एग्जामिनर ने एनालिट्स का सही आंसर माना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ब्रश बॉर्डर ये कहाँ पर मिलते हैं। ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है, मान लो मेरी कोई सिंपल ट्यूब है, ठीक है, अब ये जो इसकी बाहर की जो ये मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए। फोल्ड कैसे, ऐसे, मान लो अंदर की तरफ इसमें क्या हो जाए,
फोल्डिंग हो जाए, ठीक है, अंदर या बाहर की तरफ कैसे भी हम मान सकते हैं। मान लो इसकी क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए, या ऐसे फोल्ड हो जाए, ठीक है। अब फोल्ड होने का मतलब क्या हुआ, फोल्ड होने का मतलब क्या हुआ, इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया। फोल्ड होने का मतलब क्या है, सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है। कहने का मतलब है जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है ये हमारी प्रेजेंट होती है हमारे पीसीटी में। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में ब्रश बॉर्डर बनती है, इसकी सेल्स जो हो जाती है, इसकी बाहर की लेयर जो है वो ऐसे फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और पीसीटी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ए बी एस ओ आर पी टी आई ओ एन, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब किसी चीज़ को अपने ओर खींचना या उसको एब्जॉर्ब कर लेना, मतलब अवशोषण कर लेना किसी चीज़ का, ठीक है, चाहे वो पानी का हो या आयंस का हो, ठीक है। तो ये जनरली ब्रश बॉर्डर जो है या ये फोल्डिंग जो है ये क्या करती है, इनका एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन के लिए इनका सरफेस एरिया बढ़ा देती है, ठीक है। और ये कहाँ पर मौजूद होती है, हमारे पीसीटी में, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में मौजूद होती है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हमारा जो फिनाइल कीटोनूरिया जो बीमारी है इसमें क्या होता है। फिनाइल कीटोनूरिया नाम की जो बीमारी में होता है एक हमारा अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम क्या है, फिनाइल एलानाइन, पी एच ई एन वाई एल, फिनाइल एलानाइन। ये जो अमाइनो एसिड है ये हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ये जो फिनाइल एलानाइन है ये हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है या संचय हो जाता है हमारी बॉडी के ऊतक में, मतलब टिश्यूज में, ठीक है, जिसके कारण किसी व्यक्ति का को मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं किसी व्यक्ति को, जिसमें ये अमाइनो एसिड फिनाइल एलानाइन उसकी बॉडी में क्या हो जाए, संचय हो जाए या इकट्ठा होना चालू हो जाए। तो यही पूछा था क्वेश्चन में भी कि फिनाइल एलानुरिया डिजीज क्या दर्शाती है, तो एक्यूमुलेशन दर्शाती है किसका, फिनाइल एलानाइन का हमारे टिश्यूज में, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये है हमारा डायग्राम किसका, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन कहाँ होती है, हमारी किडनी में होती है नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो देखो देखो ये है नेफ्रॉन जो कि होती है किडनी में। देखो ये जो यहाँ पे आपने देखा होगा बोमन कैप्सूल, यहाँ से निकलती है ये डक्ट, ये ट्यूब निकलती है यहाँ से, इसी को हम बोलते हैं क्या, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो यहाँ की जो सेल्स होती हैं ये सेल्स क्या होती हैं, इस शेप में मॉडिफाई हो जाती हैं। आप देख रहे हैं ना जो बाहर की इसकी सेल्स है ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिए इस सेल्स ने, जो इसकी बाहर की लेयर थी वो ऐसी बन गई, बताया था ना आपको फिंगर लेयर प्रोजेक्शन। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, ठीक है। और ये क्या करती है, इसका जो इसमें से पानी जाएगा या मतलब जो भी फ्लूड जाएगा उसमें से एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी उसका, चाहे वाटर का हो या हमारे आयंस का हो, उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ से बढ़ जाएगा क्योंकि ये फोल्डिंग जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है, ठीक है। कहने का मतलब है ये अगर सिंपल लाइन होती तो इसमें 10 एटम या 10 मॉलिक्यूल अगर वाटर के आते, मैंने यहाँ पे 5 दिखाए हैं, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इससे चिपक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने इसका एरिया बढ़ा दिया है, ठीक है। इसलिए एरिया बढ़ा दिया है मतलब अब ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं इस फ्लूड में से, चाहे पानी हो या क्या हो, आयंस हो, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ए फ्रेश वाटर म्यूजल, जो एक फ्रेश वाटर म्यूजल है उसमें जो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या होता है। तो हम उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को ऑर्गन ऑफ बुजेनुस के नाम से जानते हैं, किसके, फ्रेश वाटर म्यूजल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर वही कि एक आदमी बहुत ज़्यादा मीट खाता है तो उसके यूरिन में ज़्यादा मात्रा में क्या निकलेगा, यूरिया निकलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन कन्वर्ट किस में होता है, अमोनिया में होता है, मतलब प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की बात क्या बनता है, अमोनिया, और अमोनिया फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यूरिया ही उसके यूरिन से निकलेगा ज़्यादा अमाउंट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यूरिकोटैलिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जिनकी बॉडी से यूरिक एसिड
जिनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है या जिनकी बॉडी से यूरिक एसिड निकलता है उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि जल तथा Na+ का पुनः अवशोषण एक साथ होता है, कहने का मतलब है सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन पुनः अवशोषण एक साथ कहां पर होता है, तो वो होता है हमारा पीसीटी में, जहां मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जिसकी थी, वो क्या था हमारा पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें होता है हमारा सोडियम आयन Na+ का और वाटर का एक साथ रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या चीज़ नहीं होता है सामान्यतः। ठीक है, कहने का मतलब है ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सामान्यतः नहीं होता है, तो देखो ग्लूकोज तो उसमें होता है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक भी होता है, क्रिएटिनिन भी होता है, लेकिन एल्ब्यूमिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन एक टाइप की क्या होती है, प्रोटीन होती है, और प्रोटीन कभी भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं आ सकती है। ठीक है, अगर आ रही है तो मतलब वो क्या है, बीमारी है। ठीक है, तब यहाँ पे लिखा है सामान्यतः है, मतलब नॉर्मली नहीं आती है। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर उसके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रोटीन की मात्रा देखी जा सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या है लगभग, मतलब यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स एक मेंस में कितने होती हैं, तो वो होती हैं 1 से 1.5 मिलियन, 1 से 1.5 मिलियन, 1 से 1.5 मिलियन यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, कहाँ, मनुष्य में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारे सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप होते हैं ये कैसे होते हैं, मतलब इनमें डिफ्यूजन होता है, डी प्लाज्मोलाइसिस होता है, ऑस्मोसिस होता है, या इनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप जो होते हैं इनको कार्य करने के लिए क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है, और ऐसा वो मैकेनिज्म जिसको कार्य करने के लिए एटीपी चाहिए होता है वो क्या होता है हमारा, एक टाइप का एक्टिव प्रोसेस होता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जिसको एटीपी चाहिए होता है वो होता है हमारा एक्टिव, जिसको नहीं चाहिए होता वो कौन सा होता है हमारा, पैसिव, PASSIVE पैसिव। ठीक है, एटीपी की जरूरत होगी किसी कार्य को करने के लिए तो वो कार्य क्या होगा हमारा, एक्टिव कार्य होगा। ठीक है, जिसमें नहीं चाहिए वो क्या होगा, पैसिव। तो भैया जो हमारा सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप है इसको एटीपी चाहिए, तो मतलब ये क्या होगा हमारा, एक्टिव प्रोसेस होगा, तो क्या है, सक्रिय परिवहन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारी फ्लेम सेल्स हैं या ज्वाला सेल्स कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं, तो ये उत्सर्जी होती हैं फ्लेम सेल्स। अगला क्वेश्चन है, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बताओ बर्ड का और रेप्टाइल का, तो बर्ड और रेप्टाइल जो हैं ये इनमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है इनका क्या, मेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये इनके बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, क्योंकि ये इनको इनकी बॉडी में जल बहुत कम होता है, या मैं बोलूं यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी बॉडी में क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, चाहे वो रेप्टाइल हो या चाहे बर्ड हो, बर्ड में इसलिए यूरिक एसिड निकलता है क्योंकि इनको अपने आप को क्या रखना होता है, हल्का रखना होता है, अपनी बॉडी का वेट कम रखना होता है ताकि ये आसानी से हवा में उड़ सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किडनी आर वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कहने का मतलब है वृक्क एक जैव प्रमुख अंग है क्योंकि यह सहायक है, किसमें सहायक है, शरीर में द्रव के नियमन में, अक्षार क्षार संतुलन के नियमन में, और उपापचयी अपशिष्टों के निष्कासन में, मतलब बॉडी फ्लूइड को यह रेगुलेट करता है, एसिड बेस का बैलेंस बनाए रखता है, और वेस्ट मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालने में भी हमारी मदद करता है, इसलिए किडनी क्या है, एक जैव प्रमुख अंग है। ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस फंक्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं किडनी क्या है, ये तीन कार्य करती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, फ्लेम सेल्स किससे संबंधित होते हैं, तो फ्लेम सेल्स कैसे होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन वेस्ट का कन्वर्जन अमोनिया में है, अमोनिया फिर किस में कन्वर्ट होता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है, और ये कहाँ पर होता है, ये होता है हमारे लीवर में, मतलब यकृत में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है ह्यूमन किडनी में वो लगभग कितना होता है, तो वो कितना होता है, 15 mmHg होता है फिल्ट्रेशन प्रेशर, कहाँ पर, ह्यूमन की किडनी में, मतलब निस्यंदन दाब। ठीक है, अब देखते हैं कैसे, इसका भी एक डायग्राम होगा। देखो ये जो डायग्राम है ये आप देख रहे हैं किडनी का, ठीक है, किडनी में जो नेफ्रॉन है उसका डायग्राम देख रहे हैं। तो देखो ये जो नलिका आ रही है पर्पल, ये आप कह सकते हैं पिंक कलर की, तो देखिए ये क्या है, ग्लोमेरुलर है, जिसका प्रेशर कितना है, 55 mmHg, मतलब इसका प्रेशर कितना है, 55 mmHg। और दूसरा आप देख रहे होंगे एक तो येल्लो कलर का, इसका जो प्रेशर है ये क्या है, हमारा ब्लड कोलोइड का ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब ब्लड जो इसके अंदर से जा रहा है इसका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कितना है, 30 mmHg है। यहाँ से जो आ रहा है ग्लोमेरुलर, इसका कितना है, 55 mm, जो इसके अंदर जा रहा है वो कितना है, 30 mm, और दूसरा जो ग्रीन कलर का इसी के अंदर जा रहा है वो क्या है, हमारा कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो कितना है, 15 mmHg। तो देखो जो इसके अंदर से आ रहा है वो कितना है, टोटल 55, लेकिन इसके अंदर तो दो चीज़ें जा रही हैं, तो जब दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनका प्रेशर क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, 30 और 15 कितना हो गया, 45। ठीक है, आने वाला प्रेशर कितना है, 55, जाने वाला इसमें कितना है, 45, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10। तो यही क्या है, प्रेशर है किसका, हमारी इसमें जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, यही पूछा गया था ना कि कितना प्रेशर है, तो वो है हमारा 10 mmHg का प्रेशर है। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय, मतलब यूरिक एसिड किस में निकलता है, तो यूरिक एसिड निकलता है, अभी मैंने आपको बताया किस में, या तो बर्ड में या तो रेप्टाइल्स में, तो ऑप्शन देख लो, बर्ड का जो ऑप्शन है वो क्या है, कबूतर, मतलब कबूतर क्या है, बर्ड का एग्जाम्पल है, तो इससे क्या निकलेगा, यूरिक एसिड निकलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन, मतलब परा निसंदन होता है, किस में होता है, बोमन कैप्सूल में होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो गुर्दे की पथरी होती है वो किसका क्रिस्टल होती है, मतलब मान लो हमारा क्या है, किडनी है। ठीक है, मान लो ये हमारा किडनी है। ठीक है, ये एक शेप बनाता हूँ हमारी किडनी की, ठीक है, रफ शेप बना रहा हूँ किडनी की। ठीक है, मान लो ये किडनी है, इसके अंदर कोई गुर्दे की हो गई पथरी, गुर्दे की मान लो, किडनी की मान लो, लीवर की मान लो, किसी की पथरी मान लो। ठीक है, जो पथरी होती है वो कहने का मतलब है वो क्या होती है, तो पथरी बनी होती है हमारी कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट के छोटे छोटे टुकड़े अगर हमारे किसी भी ऑर्गन के अंदर बनते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या हो गई है, पथरी हो गई है। तो जब भी किसी का ऑपरेशन होता है पथरी का, तो डॉक्टर उनको दिखाता है कि भैया आपके यूट्रस में, आपके लीवर में या आपकी किडनी में ये छोटे छोटे टुकड़े हमने ऑपरेशन के बाद निकाले हैं। तो जब आप उसको देखेंगे तो वो क्या होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और वो छोटे छोटे टुकड़े किससे बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। सिंपल सी कहानी थी, यही पूछना चाह रहा था क्वेश्चन, कि जो ऑपरेशन के दौरान जो आप पत्थरी निकालते हो वो पथरी किससे बनी होती है, वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का वो किसके कारण होता है, मतलब रुधिर का जो परासरणी दाब होता है वो किसके कारण होता है। तो देखो ब्लड में, मतलब हमारे रुधिर में जो होता है प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड में है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में क्या होती हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो उस प्रोटीन्स के कारण ही ब्लड में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, वेरियस प्रोटीन, विविध प्रोटीन्स के कारण ही क्या होता है, रुधिर का परासरणी दाब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मतलब वृक्क का कार्यात्मक इकाई, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी की फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक सांप जो रह रहा है कहाँ पर, मरुस्थल में, उसकी बॉडी में से कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलेगा। तो मैंने आपको बताया ये क्या है, सांप एक रेप्टाइल है, ठीक है, और रेप्टाइल भी कहाँ पर रह रहा है, डेजर्ट में, मतलब वहाँ क्या है, पानी की पहले से कमी होती है डेजर्ट में, और जहाँ भी पानी की कमी होगी या वो प्राणी जो वहाँ रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो या क्या हो, पानी की कमी होती है, तो उनका वेस्ट मटेरियल क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है, क्योंकि इसको बॉडी से निकालने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मतलब हमारा यूरिक एसिड मतलब यूरिको टैलिक ये प्राणी होगा, मतलब ये सांप क्या होगा, यूरिकोटैलिक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्रश बॉर्डर, तो मैंने आपको बताया अभी ब्रश किनारे स्थित होते हैं किसमें, पीसीटी में, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इसमें यूरिया की सबसे कम मात्रा किसमें होती है, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स में, रेनल आर्टरी में, हेपेटिक पोर्टल वेन में, या रीनल वेन में। तो जो हमारी वृक्कीय शिरा होती है इसमें सबसे कम क्या होता है, यूरिया, क्योंकि ब्लड के फिल्टर होने के बाद ये ले जाती है इसमें ब्लड, ठीक है, ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल निकालने के बाद हमारा ब्लड इस वेन्स के द्वारा जाता है, ठीक है। मान लो ब्लड पहले ही प्यूरीफाई हो गया तो उसमें तो कोई वेस्ट मटेरियल रहेगा नहीं, और वेस्ट मटेरियल क्या, यूरिया, ठीक है, मतलब रेनल जो वेन है इसमें यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है। इसको ऐसे समझाता हूँ, मान लो ये हमारे क्या है, किडनी है, यहाँ से आया एक हमारी नलिका आई, ये ब्लड आया, इसमें क्या है, यूरिया की मात्रा ज़्यादा है, ब्लड ने क्या करा, या इस हमारा जो ये किडनी है या हमारा जो लीवर है इसने क्या किया, लीवर ने ब्लड का सारा यूरिया निकाल दिया। अब निकालने के बाद यहाँ से दूसरी नलिका जा रही है लीवर में से, इसमें तो अब आपको पता ही है कि यूरिया की मात्रा सबसे कम होगी, क्योंकि जब आ रहा था ये इसमें सबसे ज़्यादा था यूरिया। अब लीवर ने क्या किया, यूरिया, ज़्यादातर यूरिया, या मैं कहूँ लगभग सारा यूरिया निकाल दिया। तो जब इसमें से इस ये नलिका निकलेगी लीवर के बाहर तो उसमें तो यूरिया ऑटोमेटिकली कम होगा, तो यही पूछा था, और इसी का नाम जो है इन्होंने दे रखा है रीनल वेन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितना यूरिया का उत्सर्जन करता है, तो वो करता है कितना, 30 से 40 मिलीग्राम यूरिया अपनी बॉडी से निकालता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो यूरिक एसिड चीफ नाइट्रोजन वेस्ट किसमें होता है, कहने का मतलब है यूरिक एसिड किसमें निकलता है, तो निकलता है इंसेक्ट और बर्ड में। अगला क्वेश्चन है फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो अभी मैंने आपको बताया क्या थे, ग्रीन ग्लैंड्स, किसमें थे, क्रस्टेशियंस में, CRUSTACEANS क्रस्टेशियंस में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो वर्टिब्रेट का वो अंग बताओ जिसमें क्या हो, मिसेंजियल सेल्स मौजूद होती हैं, तो वो होती है हमारे किडनी में, अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ पर मौजूद होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन बींग्स द कैप्सुलर यूरिन एंटरिंग द पीसीटी ट्यूब्यूल इज, कहने का मतलब है जो कैप्सुलर यूरिन है जो एंटर हो रही है पीसीटी में, उसमें जो है यूरिन कैसा होता है, ठीक है, तो उसमें जो होता है ब्लड के सेम जैसा ब्लड होता है वैसा ही क्या होता है उसमें, आइसोटोनिक टू ब्लड होता है। कहने का मतलब है वो कैप्सूल जो एंटर हो रही है पीसीटी में वो आइसोटोनिक होगी ब्लड के, मतलब जैसी ब्लड की क्वांटिटी है, जैसा ब्लड का पीएच है या जैसा ब्लड है सेम वैसा ही होगा उसमें भी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये था वो डायग्राम जहाँ मैं आपको कह रहा था, तो देखो ये है हमारी किडनी का डायग्राम, किडनी का डायग्राम मतलब अंदर जो नेफ्रॉन है उसका डायग्राम है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर एक सेल्स है मेसेंजियल इंटरग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, इन्हीं को बोल रहा है मेसेंजियल सेल्स, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है, यहीं पर मौजूद है ना, तो ये आप देख लो। ये मैंने सिर्फ खाली इतना इतना डिटेल कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक
हल्का सा आउटलाइन दे दिया कि कहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को देखो और अच्छे से पहचान सको और लंबे समय तक किसी पड़ी हुई चीज़ को याद कर सको या अपने दिमाग में रख सको, ठीक है। दूसरा डायग्राम देखो, दूसरा डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ ना मेसेंजियल सेल्स, ये होती है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस में, एक आपने सुना हो ना जेजी एपरेटस, ठीक है, जेजी एपरेटस तो पढ़ा होगा ना, जेजी एपरेटस तो नहीं पढ़ा तो जो आप रास पढ़ेंगे आर रेस, मतलब आर रेस का मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये आपने पढ़ा होगा तो फिर आपको पता होगा वहाँ पर एक जेजी एपरेटस होता है, तो उसी जेजी एपरेटस में मैकुला डेंसा होता है, जेजी सेल्स होती हैं और क्या होती है मेसेंजियल सेल्स होती हैं, ठीक है। ये सब कार्यक्रम भी कहाँ का है, हमारे नेफ्रॉन का है, ठीक है, और नेफ्रॉन कहाँ है, किडनी के अंदर है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, यूरिया फॉर्मेशन टेक प्लेस इन विच ऑर्गन, यूरिया के संघ के द्वारा बनता है, तो यूरिया कहाँ बनता है भैया, लीवर में बनता है। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल यूरिन में कितना परसेंट ग्लूकोज मौजूद होता है, ठीक है, जनरली तो ना के बराबर इस्तेमाल होता है, हाँ अगर किसी को डायबिटीज़ है तो ये कंडीशन होती है उसमें, उसके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, मधुमेह वाले रोगियों में उसकी उनकी बॉडी में जो यूरिन होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, और नॉर्मल में ना के बराबर होती है, ना के बराबर कितना 0.1% ग्लूकोज मौजूद होता है एक नॉर्मल यूरिन में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मतलब क्या वृक्क निर्वाहकी तंत्र अनुपस्थित होता है, मतलब रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें एबसेंट होता है, तो वो एबसेंट होता है रैबिट में, मतलब शशक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी में जो सॉल्ट है वो कौन निकालता है, कहने का मतलब है मनुष्य शरीर में लवण मुख्यतः मुक्त होता है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, स्किन के द्वारा, ब्लड के द्वारा या किडनी के द्वारा, तो अभी आपने किडनी का फंक्शन देखा था सॉल्ट का एलिमिनेशन, हमारी बॉडी से सॉल्ट का निकालना, एसिड बेस को रेगुलेट करना, ये सब किस में पढ़ा था हमने, किडनी के कार्य में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, तो मकड़ी में निकलता है भैया ग्वानिन, ये आप याद कर लेना स्पाइडर में, ठीक है, उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है ग्वानिन। अगला क्वेश्चन है एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बताओ जो स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया जो मैमल्स के कान में होता है इन दोनों को बीच में से मतलब अलग कौन करता है, ठीक है, स्तनधावी जीवों के कान में स्काला वेस्टिबुली तथा स्काला मीडिया को पृथक करने वाली झिल्लियम संरचना का क्या कहते हैं, कहने का मतलब है एक तरफ है स्केला वेस्टिबुली और दूसरी तरफ है स्केला मीडिया, इसके बीच में एक झिल्ली है या एक परत है जो इन दोनों को सेपरेट करती है, हमें क्या बताना है उसका नाम, तो उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम क्या होता है रेसिनार्स मेम्ब्रेन, आप इसको आर से याद कर लो, ठीक है, ये ऐसे याद कर लो वी आर एम, यहाँ वेस्टिबुली यहाँ मीडिया बीच में आर, ठीक है, मतलब रेसिनार मेम्ब्रेन होता है दोनों के दोनों को सेपरेट करने वाला, ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं ये किससे निकलती हैं, मतलब एक्टोडर्म से निकलेगी, मेसोडर्म से निकलेगी या एंडोडर्म से निकलेगी, ठीक है, एंडोडर्म से निकलेगी, तो जो हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स है मतलब वृक्क की जो नलिकाएँ हैं ये कहाँ से निकलती है, एंडोडर्म से निकलती है, ठीक है, आपने देखा होगा ना तीन लेयर होती हैं जर्म लेयर, सबसे बाहर वाली, फिर बीच वाली, फिर सबसे अंदर वाली, सबसे बाहर होती है एक्टोडर्म, फिर बीच में होती है मेसोडर्म, सबसे अंदर क्या होती है एंडोडर्म, तो जो सबसे अंदर वाली है यही किसका निर्माण करती है, हमारी वृक्क नलिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एंडोडर्म क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं फिर अपने अगले आज के इस लास्ट क्वेश्चन में जो कि हमारा क्या है, ब्रीथिंग इन ह्यूमंस इज कंट्रोल बाय, मतलब मनुष्य में जो श्वसन है इसको कौन कंट्रोल करता है, मतलब श्वसन जो है इसका कौन इसको कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, हमारा मेडुला ओब्लोंग गाटा, हमारे जो शरीर में श्वसन होता है इसको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इस जो एक्सक्रीशन टॉपिक था, इसके आज इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट
कर लिए हैं, ठीक है, दो पार्ट में किए हैं, पहला पार्ट मैं करा चुका हूँ और ये था हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में।